गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बी बी ए थर्ड सेम एंड बी कॉम थर्ड ईयर। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मेथड नंबर सेकंड ट्रेडिशनल मेथड में आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन हम मंथ में इंफॉर्मेशन थी तो मंथ वाइज हमने किया था, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन देगा मंथ में भी और वीक में भी, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो चीज हम इस चैप्टर में भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड अ स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ 5200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ओके, तो आपको वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है कि आपका प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए। 5200 यूनिट्स आप बनाते तो आपको फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग एलिमेंट्स, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका रॉ मटेरियल कितने का होगा, लेबर कितने की होगी और ओवरहेड्स कौन-कौन से होंगे। तो 6-8 रुपीज आपकी पर यूनिट कॉस्ट होगी, लेबर 2 रुपीज एंड ओवरहेड 6 रुपीज। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 16 रुपीज, 4 रुपीज आपका प्रॉफिट है एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20 रुपीज। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपका स्टोरेज किस अकॉर्डिंग होगा, तो फर्स्ट है रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक एवरेज 1 मंथ, 1 मंथ आपके स्टॉक में रहता है। सेकेंड जो चीज है मटेरियल आर इन प्रोसेसिंग इन एवरेज ऑफ हाफ मंथ, आधा टाइम पीरियड या आधा महीना आपके प्रोसेसिंग में लगता है, हाफ मंथ। एंड फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एंड एवरेज ऑफ 6 वीक। ओके, यहाँ पे मंथ नहीं 6 वीक, इट मीन्स अब आपको क्वेश्चन किस में करना है डिपेंड करता है आपके ऊपर, चॉइस पर आप कैसे करेंगे, वीक में बनाकर करते हैं या मंथ में बनाकर करते हैं, दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट होगा क्रेडिट अलाउड टू क्रेडिटर्स इज 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2 मंथ, लेट इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड हाफ 1.5 वीक। ओके, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड, आपको इतना कैश बैलेंस आपको चाहिए हर रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोडक्शन इज कैरीड ऑन इवनली ड्यूरिंग द ईयर एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स अकर सिमिलरली। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना है, कैसे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम इसके क्लास के अंदर। ओके, तो आगे चलते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें सोल्व करनी कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में। ओके, तो करें क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए पूरा रफ कर दे बोर्ड पहले, क्या क्या जितने क्वेश्चन पूरा क्लियर होना चाहिए, एज इट इज आपको क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। पहले क्वेश्चन अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए आपको करना कैसे क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाना, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। ओके, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़। ओके, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बीकॉम के लिए, दो सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको शायद नहीं हो। ओके, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको कहीं गए तो पढ़ना ही है, मैनेजमेंट में पढ़े हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग वर्किंग कैपिटल। ओके, फर्स्ट आपको क्या चीज चाहिए, तो फर्स्ट आप हेड लगाएंगे करंट असेट्स, करंट एसेट्स आपका ऐड होगा। करंट एसेट्स एक्चुअल में है कितनी वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट करंट एसेट्स में आ जाता है स्टॉक। स्टॉक में आपके 3 पार्ट्स होते हैं इस स्टॉक के अंदर ही। फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल वाला स्टॉक, रॉ मटेरियल। ओके, तो रॉ मटेरियल के पार्ट्स में फर्स्ट बात करेंगे, रॉ मटेरियल इक्वल टू कैसे हो रहा है रॉ मटेरियल का, तो आपको देखना पूरे ईयर में कितना कंजम्पशन होता, कितनी यूनिट्स होती है उसके बारे में। ओके, बात करें स्टार्टिंग में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप बात करें 5200 यूनिट्स है। ओके, 5200 यूनिट्स है, क्लियर है, पहली चीज क्लियर होनी चाहिए यूनिट्स कितनी है। 5200
5200 यूनिट्स, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन किस में चल रहा है, पूरा वीक में चल रहा है, और ईयर में वीक कितना होता है, तो 52 वीक होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी करवाना 52 वीक से जा रहा है, इट मीन्स आपको इजीली 100 यूनिट्स पर वीक हो जाएगा, पर वीक, ओके, बात क्लियर हुई। पर वीक कितना होगा, 100 यूनिट्स, ओके। तो 100 यूनिट्स आप पर वीक बनाएंगे, और एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज, इट मीन्स 800, ओके। और इसका टाइम पीरियड कितना, स्टोरेज टाइम पीरियड है, रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑफ एन एवरेज वन मंथ, इट मीन्स एक मंथ में कितने पीरियड होता है, कितने वीक होंगे, तो जनरली 4 वीक्स होते हैं, ओके। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 वीक, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 800 × 3200 रुपीज, ओके। तो फर्स्ट जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3200 रुपीज आपकी आंसर हो जाएगी, कौन सी होगी, रॉ मटेरियल के बारे में। बी बात करेंगे रॉ मटेरियल के बाद, वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती है, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ओके। तो यहाँ पे आप अलग अलग पार्ट्स में लिखेंगे, रॉ मटेरियल की बात करें, परसेंटेज वाइज कल बात बता दी था मैंने, 100% लेबर, 50% अज्यूम होती है क्योंकि वो वर्क के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है, ओवरहेड्स, ओके। तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना है एक वीक के अंदर कितने यूनिट बनती है, 100 यूनिट्स बनती है, ओके, 100 यूनिट्स है, ओके। फिर सेकंड जो चीज है क्या हो रहा है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, तो रॉ मटेरियल की 8 रुपीज कॉस्ट है, ओके। जो आपकी लेबर की कॉस्ट बताई है 2 रुपीज है, और ओवरहेड्स आपके 6 रुपीज है, ओके, वीक की कॉस्ट हो जाएगी। देन आपको क्या देखना है, टाइम पीरियड, ओके। तो यहाँ पे मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑफ एवरेज ऑफ हाफ मंथ, ओके, हाफ मंथ इट मीन्स एक मंथ में 4 वीक होंगे, तो 1 वीक को कैलकुलेट करने के लिए कैसे, 1 मंथ को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वीक्स, ओके। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 वीक कर देंगे, 2 वीक कर दिया, बट यहाँ पे 1/2 करना है या 50% करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 100% नहीं चार्ज, या 50% आप शो कर दें, ओके, यहाँ नहीं होगा, इट मीन यहाँ कितना हो जाएगा, 1600, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/2, ओके, इजीली 1/2 का मतलब 50% होता है, तो कट जाएगा, तो 600 × 200, ओके, यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 800 + 1600 = 2400, ओके, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2400, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड जो वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी, 3200, नेक्स्ट जो होगी 2400, क्लियर है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर यहाँ मिस्टेक होगी आपका आंसर गलत हो जाएगा, ओके। थर्ड जो है सी पॉइंट, जो आपका फिनिश गुड्स होता है, ओके, फिनिश्ड गुड्स वाली बात करें, फिनिश गुड्स, आपका फिनिश गुड्स में आप क्या कर सकते हैं, तीनों कॉस्ट एक्चुअल में ऐड हो चुकी होती है, आपको मैंने कल की क्लास में ये चीज बता दी थी, अगर आप क्या करें 100 यूनिट्स है उसमें एड जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप 100 × 8, 100 × 100 × 6 and 100 × 6 करेंगे तो भी 16 हो सकता है, 100 × 16 आप दोनों अल्टरनेटिव को यूज करके कर सकते हैं, ओके। तो आप जैसा सोचे वैसा करना चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे ये चीज यूज कर रहा हूँ, जो आपको रॉ मटेरियल कितना यूज होता है, तो रॉ मटेरियल 100% यूज हो सकता है, ओके, लेबर 100%, इन ओवरहेड्स 100%, इट मींस आपकी 100 × 8, 100 × 2, 100 × 6, ये 1 वीक के बारे में बात आ गई, यहाँ पे 1 वीक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन में मिल गई, ओके। तो आप कैसे सोल्व कर लेंगे, आगे सही चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। अब आपको चाहिए क्या 1 वीक के बारे में, टाइम
देखना आपको आपके स्टोर में कितना रहता है, फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एंड एवरेज 6 वीक, इट मींस डेढ़ मंथ या 6 वीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके तो यहां पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू जो है 800 × 6 8 4800 × 200 × 6 1200 × 6 9600 ओके। अगर आप उसको अल्टरनेटिव करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 100 वीक मल्टीप्लाई 60 × 6 करेंगे तो भी आपका आंसर कितना होगा, 9600 आप यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव, ओके जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। डी नेक्स्ट जो पॉइंट होता है सेकंड स्टॉक की सारी बात होने के बाद आता है डेटर्स से कलेक्शन पीरियड, डेटर्स है डेटर्स कलेक्शन पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेटर्स की कौन सी कॉस्ट लेंगे तो वहां पे आपको कितनी चाहिए टोटल कॉस्ट, वही चीज चाहिए है ना, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी पूरी वही 100 100 एंड 100 ओके। फिर वापस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो कितना है 8 रुपीज 2 रुपीज एंड 6 रुपीज और कंबाइंड करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं सीधा 100 × 60 × कितने टाइम पीरियड की अलाउ कर रहे हो, तो क्रेडिट अलाउ टू डेटर्स 2 मंथ इट मींस 8 वीक आपका आंसर हो जाना चाहिए, 8 वीक आपका आंसर हो जाएगा है ना, तो आपका टोटल वैल्यू होगा 16 × 32 लेस करेंगे तो 12800 वैल्यू हो जाएगी, ओके 12800 आपका डेटर से कलेक्शन मिल जाएगा, ओके तो आप इसको सीधा पीछे वाले कॉलम में बना के लिखेंगे, जो आपका स्टेटमेंट बनाया आप इसे शॉर्ट में पीछे या आपका वर्किंग और अमाउंट वाले कॉलम में आप बना के लिखेंगे इसको सीधा 3200 + 2400 + 9600 and 12800 आपका वैल्यू हो जाएगा, ओके तो यहाँ तक आपकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, करंट एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी, करंट एसेट्स आपकी एक्चुअल में कितनी होगी वो आपका आंसर आ जाएगा, करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल 28,000 आपका करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। लेस करना है आपको आगे जाके करंट लायबिलिटीज है ना, तो आप करेंगे करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज आप लेस करेंगे, क्या चीज होनी चाहिए, तो आपने फर्स्ट बताया था क्रेडिटर्स को पेमेंट के बारे में है ना, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो क्रेडिटर्स से आपने क्या चीजें खरीदी, तो 1 वीक के लिए बताया आपको 100 यूनिट्स बनती है और आपको क्या चीज चाहिए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी 8 रुपीज, ओके तो 8 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना पेमेंट टाइम पीरियड बाद बताया, तो यहाँ पे बोला है क्रेडिट अलाउ बाय क्रेडिटर्स इज 1 मंथ, इट मींस मल्टीप्लाई किससे करते हैं 4 वीक से, 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक, तो 8,3200 रुपए 3200 एंड ठीक है नेक्स्ट लेस 3200 एंड फिर क्या है नेक्स्ट कितना दे रखा है, एक लेग इन पेमेंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस है ना, लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस सेकंड लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, ओके वेजेस आपको दे रखा है 100 × जो भी आपका वेजेस दे रखा है, लेबर दे रखी है और लेबर कितना रुपया दे रखी है 2 रुपीज पर यूनिट है ना, तो इट मीन 200 और कितना कर रहे हैं कितना 1.5 वीक, तो 1.5 वीक से मल्टीप्लाई कर दें है ना, तो
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 200 इंटू तो कितना आ गया 300 रुपीस। ओके तो 300 रुपीस आप यहाँ जाके ओलेस कर देंगे। फिर एक चीज और भी बोली गई है, आपको कितना फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके तो यहाँ पे आपकी करंट एसेट्स आ गई और करंट लाइबिलिटीज आपकी दोनों मिलकर कितनी होगी 3200 एंड 300, इन दोनों को आप ऐड कर दें ठीक है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 3500। यहाँ पे आप लेस कर दें 3500। ओके तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज होगी वो हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। ओके कितना अमाउंट हो जाएगा तो 24500। ओके प्लस आपको ऐड करना है यहाँ पे आपका एड कैश, आपको हर कंडीशन में आपके स्टॉक में होना चाहिए। इट मींस वो वैल्यू कितनी बताइए, कितना स्टॉक हमेशा कैश होना चाहिए। तो आप कैश और बैंक के अंदर आपका टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, कैश और बैंक बैलेंस हमेशा एज एट ए टाइम होना चाहिए आपके, वो कितना अमाउंट होना चाहिए 7300 रुपीज। ओके तो आप एड कर दें 7300, तो टोटल जो वैल्यू होगी वो आपका लास्ट आंसर होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके तो आपको कितनी यूनिट बनानी है, रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 31800 आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो मेथड नंबर सेकंड है उसका प्रॉपर क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने पूरा अभी कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया, कैसे आप सोल्व करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टॉक के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस हमेशा रॉ मटेरियल के अंदर, तो वर्किंग रॉ मटेरियल के अंदर आपका ओनली फॉर रॉ मटेरियल्स यूज करना है, वर्किंग प्रोग्रेस में आपको यूज करना है लेबर और ओवरहेड्स के जो परसेंटेज है वो 50% अज्यूम कर रहे हैं। ये चीज कहीं क्वेश्चन में दी नहीं जाएगी, आपको ये माइंड में होना चाहिए, और मटेरियल हमेशा 100% होता, अदरवाइज सारी चीजें फिनिश गुड्स 100% होगी। ओके और जो डेटर से आपके 100% होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।